किसने कितनी दुनिया देखी एक बहस है, कितनी किसकी समझ में आई एक बहस है। मुस्कानों की भाषा हर पल बदल रही है, हंसी तो आई ठहरी कितनी एक बहस है। कितनी अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितनी अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। जलवा जलवा हो यूं शबनमी, पहले नहीं थी चांदनी। And the Stardust Award for Standard Performance by a Lyricist goes to Sandeep Nath. यहां उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। सिनेमा को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कॉन्सेप्ट टू कमिशनिंग यानी सोचने से लेकर पर्दे तक सिनेमा को लाने में लगभग 500 आदमियों का दिमाग और शरीर दिन रात बेहिसाब मेहनत करके, दिमागी मेहनत शारीरिक मेहनत के बाद एक फिल्म कंप्लीट होती है, फिर वो पर्दे पर आती है। उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो शायद छुपा हुआ होता है, जो पीछे कहा जाता है, उसकी ओर किसका ध्यान जाता है, इसकी ओर ध्यान गया नयन भेदा जी का। एक तालियां होनी चाहिए नयन जी के लिए। और कुछ भी भूल जाऊं पर आपको नहीं भूलूंगा लालवानी साहब। अभी पिछले सीन में हमने ईमानदारी की चर्चा की थी, उसका रिजल्ट आपके सामने है कि एक छोटा सा खुदरा दुकानदार जिसके पास शायद बिल्स पेपर सेल पेपर ये सब भी ठीक से नहीं होते, सब माल कैश डीलिंग होता है, पायरेटेड मार्केट है, वहाँ पर भी उसको उधार दे दिया जाता है। जिस तरीके से उसने ईमानदारी का अप्रोच रखा इस सीन के को थोड़ा मैं इलोबरेट करके बताते हैं। ये हरप्रीत सिंह बेदी को पहली अपॉर्चुनिटी मिलती है, पहला मौका। नौकरी करने के बाद नौकरी से दिक्कत आई, अब वो मार्केट में गया है और ऐसे काम के लिए गया है जो कार्ड उसकी कंपनी बेचती नहीं है, ऐसे ग्राहक के पास उसको भेज दिया जाता है। उस लड़की को जो कंप्यूटर चाहिए वो कंप्यूटर उसकी कंपनी नहीं बनाती है। वो लड़की उसे कहती कि भाई हमें कम से कम ये तो बता दो कहाँ से मिल सकता है, किसी को हेल्प करने की भावना कैसे आपके काम आ सकती है, यहाँ पर एक मैसेज छुपा हुआ है। वो लड़का अपने कंपनी के काम के लिए नहीं जाता है, उस लड़की को जो कंप्यूटर चाहिए वो दिलाने के लिए, वो कहाँ से मिलेगा वो पता, और वो अनाड़ी आदमी उसको ज़्यादा पता नहीं है कंप्यूटर के बारे में, वो जाता है मार्केट में और भटकते भटकते एक ऐसी दुकान पर पहुँचता है मिस्टर लालवानी की दुकान पर पहुँचता है। अपॉर्चुनिटी कहीं पर भी मिल सकती है। अनाड़ी होना कोई बड़ी बात नहीं है, हर आदमी अनाड़ी हो सकता है, कोई पहले दिन से खिलाड़ी नहीं होता है, अनाड़ी बने रहना गड़बड़ है। अनाड़ी होने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अनाड़ी बने रहना गड़बड़ है, क्योंकि अगर आप सोचना समझना काम करना शुरू करेंगे तो आप धीरे धीरे खुद खिलाड़ी बन जाएंगे। खिलाड़ी कोई इंजेक्शन नहीं है कि जो दुकान से खरीदा और अपने बदन में लगा लिया, आदमी अनाड़ी से ही खिलाड़ी बनता है। तो यहाँ इस कहानी में भी हरप्रीत सिंह बेदी जो लोगों की नज़र में या उनकी कंपनी के लोगों की नज़र में अनाड़ी हो सकता है, वो मार्केट में जाता है, भटकता है, दूसरों की मदद करने जाता है और वहाँ से उसको पता चलता कि कंप्यूटर का बिजनेस कैसे होता है। जो माल हमारी कंपनी 40,000 का बेचती है वो माल तो इतने रुपए में मिल सकता है, वो दुकानदार ही उसको ट्रेंड कर रहा है। अब यहाँ से उसको एक आइडिया मिलता है और वो खुद आगे चलकर अपनी कंपनी शुरू करता है। तो पहली अपॉर्चुनिटी अनाड़ीपन में भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अपने नाक कान सब खुले रखने हैं। जैसे ही उसको मार्केट का असेसमेंट पता चलता है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों नहीं मैं खुद इसको बेचूं। अब उसके सामने समस्या आती है पैसों की, क्योंकि 70-80,000 रुपये का उसके पास इंतजाम नहीं है, दो कंप्यूटर उसको बेचने हैं। वो दुकानदार के पास जाता है जो एक सिंधी है, लालवानी जी, उससे वो कहता है कि मुझे ये कर्जे पे दे दो। दिखाता है कि भाई आज नगद कल उधार, हम इस तरह का धंधा नहीं करते हैं। वो तुरंत अपना स्कूटर की चाबी उसके आगे करता है, ये भी कोई अनाड़ी कर सकता है। उसके अंदर छुपी हुई ईमानदारी को देखकर जो पिछले सीन में हमने डिस्कस किया था, वो दुकानदार कहता है जा ले जा। विक्टर भारत वापस जा रही है मुरली। अरे ऐसे कैसे जाएगी भारत? तू कहीं जाने का नहीं जानवी, अपन अभी आते हैं, तब तक तू ये मस्त गाना सुन।
तू बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा अंकल। ऐसी लड़की तेरे बेटे को फिर नहीं मिलेगी। कौन सी लड़की इतने सारे पब्लिक के सामने सच बोलने की डेयरिंग करेगी अंकल? हाँ अभी वो 11:55 को पैदा हुई तो इसमें इसका क्या मिस्टेक है अंकल? अरे कॉमन सेंस है यार, इसमें तारों सितारों को काय को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो महाशय आप क्या चाहते हैं, ग्रहदशा जानकर भी हम अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ दें? तू कौन है बॉस? मैं ज्योतिष बटुक महाराज। तेरी तो ये वो भाई अपना बुढ़े लोग घर है ना, इसकी वजह से क्या? अभी नया स्टोरी लाया साला, कि अगर ये शादी होगा तो लड़का मर जाएगा। तेरे को कैसे पता? क्योंकि इन दोनों की कुंडलियां मैंने पढ़ी हैं। देख तेरी बात रॉन्ग भी हो सकती है ना बॉस। आज तक तो हुई नहीं है भाई, ये तो गॉड है यार। एक काम कर रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम ना तू चुन, जिसके कुंडली में सेंचुरी वो टीम के अंदर। मैं बोलता हूँ अपन कभी हारेंगे नहीं, 1100 नॉट आउट। मेरी विद्या का मजाक उड़ा रहे हो तुम। ए, जब सुनामी आया, अर्थक्वेक आया, आखी मुंबई में पानी भर गया था, तब किधर गई थी तेरी विद्या? ए, बात सुनो, मैं मौसम की जानकारी नहीं देता हूँ, लोगों का भविष्य बताता हूँ। अरे तेरे को खुद के भविष्य का पता नहीं तो तू दूसरे का भविष्य क्या बताएगा? कौन कहता है कि मुझे अपने भविष्य के बारे में पता नहीं है? पता है तो पता, अगले 2 मिनट में तेरे साथ क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? अपने को क्या मालूम, तू ज्योतिष है रे। अभी तू बोला तेरे ऊपर कोई संकट विंकट आने वाला है क्या? संकट क्यों आएगा? ए सर्किट बंदूक निकल। ए देख संकट। ए सर्किट ए नरा, अब वो सारा 10 तक गिनेगा, 10 के बाद गोली चला देना मेरे पास। चलो तुम जो भी कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। ए भट्टो तेरे को अपनी कुंडली पर फुल कॉन्फिडेंस है ना? देख साला हिलेगा नहीं यार। नहीं मजाक थोड़ी, सुनो तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात। भाई और बहनों डरने का नहीं, अपुन बहुत अहिंसक आदमी है, लेकिन अपुन शोर है कि गोली इसका खोपड़ी से पार हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो तुम? लेकिन इसको कोई डैमेज नहीं होगा। हटो, गोली थ्रू एंड थ्रू जाने वाला है। इसको इसको क्या कर रहे हो तुम? क्या एक सुनो, दो, मैं कहता हूं बंद करो इसे। तीन, तुम सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो मेरी बात? हटाओ ना यार। पांच, सुनो यार मेरी बात सुनो तुम। आप लोग कुछ कोई बोल क्यों नहीं रहा है? ऐसे घर बुला के कोई करता है क्या? पुराने साहब आप तो कुछ करिए ना, देखिए ना, बस 10 नहीं बोलो। अरे भाई तो टपा गया। सॉरी बोलेगा जिसको खुद का भविष्य नहीं मालूम, वो दूसरे का भविष्य क्या बताएगा? ये शादी मत रोक अंकल, अपन तेरा हाथ जोड़ता है। एक बार तालियां राजकुमार हिरानी के लिए। इस सीन में डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने अंधविश्वास पर चोट करने की कोशिश की है, पर उनका तरीका जरा निराला है। जब लड़के का बाप लड़की के डेट ऑफ बर्थ को लेकर उसे मांगलिक मांग लेता है और अपने ज्योतिष बटुक महाराज के कहने पर बारात वापस ले जाने के लिए तैयार हो जाता, तब मुन्ना भाई और सर्किट वहाँ आते हैं और उसको प्यार से समझाते हैं। उनका प्यार भी देखा आपने, और फिर उसके समझ में नहीं आता और ज्योतिष महाराज बेहोश हो जाते हैं, और यहीं से मोरल ऑफ द स्टोरी शुरू होती है। अब मोरल ऑफ द सीन पर यह है कि ज्योतिष कितना सही और कितना गलत, ये तो एक अलग विषय की बात है, क्योंकि विश्वास पर है। पर हमारी लाइफ में ज्योतिष कहीं ना कहीं आता है, कोई ना कोई ज्योतिषी, कोई ना कोई जो भी उस तरह के लोग काम करते हैं जो भविष्य वगैरह बताते हैं, आता ही है। टेलीविजन पर दिखाया जाता है अंक ज्योतिष, ये ज्योतिष दुनिया भर का हम उसको देखते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन में आ ही जाता है, हम उसको पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसको कितना अपनाना है ये हमारे हाथ में है। कहीं ऐसा ना हो कि ज्योतिष के चक्कर में हम अपने सारे दिमाग की खिड़कियां बंद कर दें और एकदम लकीर के फकीर बन के जो कहा जा रहा उसी पर अक्षरश चल पड़े। एक बहुत बड़े स्टार है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, उनको किसी ने कहा कि लाल कपड़े वाले को मत देखो, तो एक कोई उनके सामने आ गया लाल शर्ट पहने, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। किसी ने कहा कि तुमको अपने पास बकरी रखनी चाहिए, तो सेट पे शूटिंग में बकरी ले जाने लगे। धीरे धीरे लोग उनसे दूर भागने लगे और उनका करियर चौपट हो गया। इसी तरह से मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ ज्योतिष से लेकर। ये उस समय की बात है, मैं जब दिल्ली में एक अखबार में एडिटोरियल डिपार्टमेंट में नौकरी करता था, तो दिन में लगभग 300-400 खबरें मैं सिटी डेस्क पे बैठता था, यानी दिल्ली और उसके आसपास की खबर मुझे देखनी होती थी। तो 300-400 खबरें आती थी, उसमें से 100 खबरें जो मुझे लगता था छांटनी चाहिए वो छांटकर उस खबर को मैं अखबार में लगाता था। तो हरियाणा से एक अजीब सी खबर आई कि एक पूर्व बैंक कर्मचारी ने एक ज्योतिष का कत्ल कर दिया। तो मैं
पहले कभी ऐसी खबर सुनी नहीं थी कि एक्स बैंक एम्प्लॉय ने मर्डर्ड अ एस्ट्रोलॉजर। तब फिर मैंने रिपोर्टर को फोन किया, ये पूरी कहानी क्या थी, मतलब ये खबर उसने भेजी लेकिन ये एक्चुअली ये मर्डर हुआ क्यों। तब उसने बताया कि ये उसका एस्ट्रोलॉजी पे बहुत विश्वास करता था और उसने उसकी कुंडली या हाथ वगैरह देख के ये बताया कि तुम्हारे इसमें राजयोग है, तुम एक दिन बहुत बड़े पॉलिटिशियन बन जाओगे, फिर पॉलिटिशियन से नेता बन जाओगे, फिर मिनिस्टर बन जाओगे। उसने उसकी बात मानकर अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और जो पूरा फंड का पैसा था वो लेकर इलेक्शन लड़ गया और इलेक्शन लड़ने में उसका हार गया, जमानत भी जब्त हो गई। अब उसकी हालत ये होगी, वो और उस पर कर्ज और चढ़ गया, उसने कर्ज भी ले लिया, कुछ जमीन वगैरह भी बेच दी, इलेक्शन हार गया। अब उसको उसी ज्योतिषी पे इतना गुस्सा आया कि उसने फ्रस्ट्रेशन में उसको उसके ऊपर गोली चला दी। तो इस बात से मॉरल ऑफ द स्टोरी ये निकलती है कि ज्योतिष तो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हमारी लाइफ में आएगा ही, दिखेगा, कोई बताएगा, कोई सलाह देगा, लेकिन हमको कभी लकीर का फकीर नहीं बनना है। आंख बंद करके उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। एक असेसमेंट के तरीके से अगर आपका इंटरेस्ट है तो असेसमेंट के तरीके से उसको आप ले सकते हैं, बट ज्योतिष को कभी भी एकदम लाइफ का एकदम थंब रूल नहीं बनाना है, क्योंकि हम लोग की लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है तो हमें लगता है कोई ऐसी बातें कहे जो हमारे लिए अच्छी होंगी, कल बहुत अच्छा होगा, लेकिन कल बहुत अच्छा होगा मेहनत करने से, सही सोच से, ज्योतिष अंगूठी या इन चीज़ों से कल अच्छा नहीं हो सकता। हाँ, उसको आप सप्लीमेंट्री के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे दाल में नमक होता है। अब नमक की दाल तो कोई नहीं खा सकता, उसी तरीके से ज्योतिष या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, जो पहले सीन में भी हमने डिस्कस किया था कि आशापूर्ण वातावरण बनना चाहिए, होपफुल एटमॉस्फेयर बनना चाहिए, उसको उस रूप में रखिए, लेकिन उसको एकदम आप डे टू डे रूटीन बना लेंगे, मिनट घड़ी मुहूर्त देख के चलेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो इस सीन का मोरल यही था कि हमको लकीर का फकीर नहीं बनना है। कोई भी बात अपने जीवन में, कोई भी विचार, कोई भी विद्या, उसको इस्तेमाल करने से पहले उसका एक असेसमेंट जरूर करना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्या ये लगातार ऐसे बोल कर सकता है? दिन भर स्पीड तो अच्छी है लेकिन निशाना कैसा है? हाँ, एक मिनट। अभी आपने जो सीन देखा वो फिल्म इकबाल से लिया गया है, जिसके राइटर और डायरेक्टर है मिस्टर नागेश कुकनूर और उसको सुभाष गई जी ने प्रोड्यूस किया था। इस सीन में हम देखते हैं जो इकबाल है, एक बिल्कुल पिछड़े इलाके से आया हुआ लड़का है और उसमें एक बात और है कि वो गूंगा और बहरा है। अब आप सोचिए, जिसको भगवान ने दो बड़ी चीज़ें, बोलने की ताकत और सुनने की ताकत, छीन ली, कितनी दिक्कतें हैं लाइफ में, लेकिन उसने अपनी इस कमी को जो भगवान ने दी है अपने रास्ते में कभी आड़े नहीं आने दिया, बल्कि अपनी जो बाकी चीज़ें उसकी थी, नज़र, उसको पावर, उसको संचय किया और उसको खेल में लगाया। और कहाँ खेल रहा है वो, एक गांव के अंदर। आप देखिए, यानी कि अभी हम लोग कह रहे थे कि अगर वातावरण उसके अनुकूल हो तो आदमी में आशा जगती है। अब इस सीन में दूसरा मोरल है कि कभी कभी आपको अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपके अंदर करेज है और आपने असेसमेंट कर लिया है अपने आप को, तो आप उस वातावरण के अंदर भी वो करके दिखा सकते हैं जो शायद और लोग ना कर पाए। इसीलिए कभी किसी कमी को, किसी परेशानी को अपने रास्ते का रोड़ा मत बनने दीजिए। इसमें बहुत बड़ा मोरल छुपा है। हम सब लोग, भारत गाँव का देश है, गाँव में रहते हैं, गाँव से कस्बा, कस्बे से शहर,
गांव से लोग टैलेंट शहर की तरफ आता, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आप कहीं पर भी रहते हो कभी ये मत सोचिए कि यहाँ कोई दिक्कत है। मैं एक ऐसे शहर से आता था जहाँ 10 घंटे लाइट नहीं रहती थी, 10 घंटे लाइट नहीं, लालटेन में पढ़ना पड़ता था। फिर बाद में इन्वर्टर आया, जनरेटर आया, लेकिन हमने कभी इसकी परवाह नहीं की। हमको था कि एक दिन हम बॉम्बे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, कुछ करेंगे। तो इसी तरीके से अभी तो हम कर नहीं पाए, करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इकबाल फिल्म के सीन पर हम वापस आते हैं कि यहाँ पर एक लड़का जो छोटे से गांव में रहता है, गूंगा है, बहरा है, उसको एक सहारा मिलता है अपने कोच का, और उसके थ्रू वो रणजी ट्रॉफी के कंपटीशन में सिलेक्शन के लिए आते हैं। कोई भी आदमी उसको लेने को तैयार नहीं है, उसके गुरु को इतना विश्वास है उसके ऊपर, वो कहते हैं कि सिर्फ 10 मिनट का समय दीजिए लंच में, छोटा सा मौका, ध्यान से सुनिए, छोटा सा मौका 10 मिनट का मिला है, उसी में सब कुछ दिखाना है। आपने कितनी भी तैयारी करी हो, उसको दिखाने का स्पैन बहुत छोटा मिलता है, और कई बार ऐसा मिलता है जो आपके हिसाब से ना हो सकता। उस वक्त वो भूखा होगा, प्यासा होगा, बट उसको उसी वक्त 10 मिनट मिला है जो दूसरे की मर्जी से मिला है। वो आपकी मर्जी से आपको टाइम नहीं देंगे। उसी टाइम में आपको अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके, पूरे ध्यान को एक जगह रख के, ऐसा दिखाना है कि वो लोग लाजवाब हो जाएं। जब वो पहली गेंद फेंकता है, कोच की हवा खराब हो जाती है, अरे इतनी स्पीड, क्या ये ऐसे गेंद फेंक सकता है? कोच एकदम कॉन्फिडेंट होकर बोलता, पूरा दिन फेंक सकता है। ये है मेहनत जो उसने गांव में की थी, बट उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? कोचिंग सेंटर में आके, सिलेक्शन कमेटी के सामने। उसके बाद कहता, अच्छा स्पीड तो बहुत अच्छी है, यानी ताकत तो आपने दिखा दी, उसमें बारीकी कितनी है? एक कहावत है, यानी बारीकी भी इतनी इंपॉर्टेंट है। ताकत यानी पावर के साथ, करेज के साथ आप काम कर रहे हैं, बट उसको चैनलाइज करना पड़ता है। गुरु ने एक सिक्का रखा, उसने सिक्के ऊपर के ऊपर गेंद डाल दी। इसके बाद कोई जवाब नहीं बचा उनके पास, फिर भी दुश्वारी है, अभी भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तीसरा मैसेज शुरू होता है कि उसको एक आंध्रा की कमजोर टीम में जगह देने के लिए, क्योंकि उसका करेज, उसका ताकत, उसकी जो क्वालिटी है को देखकर उनके पास कोई चारा नहीं बचता, लेकिन फिर भी एक छोटी सी कमजोर टीम में देने की बात करते हैं, और गुरु उसको हाँ कर लेते हैं। अगर आपको कभी मन माफिक अपॉर्चुनिटी ना भी मिले, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी होती है, वो छोटी बड़ी नहीं होती है, मौका मौका है। आपको उस मौके को बड़े मौके में बदल देना है। छोटे मौके को आपने छोटा मौका समझ के मुझको दिया, मैं इस छोटे मौके को बड़े मौके में बदल दूंगा, अपनी मेहनत से, अपनी बारीकी से। मेहनत और बारीकी मिलाकर मौका मिल गया, आगे रास्ता हमारे लिए आसान है, मंजिल हम बनाएंगे। तो इस सीन से हम 3 मैसेज पे जाते हैं। पहला ये कि जो कमी है उसको हम कभी अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनाएंगे। एडवर्स पोजीशन यानी हमारे अनुकूल वातावरण नहीं भी है, तो हमको जो हासिल करना है या जो हमारे अंदर क्वालिटी है उसको लेकर हम प्रयास करते रहेंगे। और मौका छोटा भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको बड़ा मौका बना देंगे।